Assalamualaikum dear viewers, I hope you all are fine and welcome back to my channel Learn with Sidrafreen. Today I'm come here to with another activity which is examination of gram sheet. So first of all I will tell you the apparatus which were we used in this experiment. So now this is a gram sheets, this one, and this one is a 250 ml beaker which is filled with water. So let's move to start its experiment. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो है वो कुछ ग्राम सीड लिए हैं, ठीक है। हम इसको जो है वो ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें कन्वर्ट कर रही हूँ। यहाँ पे बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि अभी ये वाटर जैसे जैसे एब्जॉर्ब करता जाएगा इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। सो हम एक दिन के लिए जो है वो पूरी रात इसको भिगोने के लिए रख देंगे और हम कल जो है वो इसको ऑब्जॉर्ब करेंगे। सो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है वो बबल्स निकल रही हैं, ठीक है। देयर आर टाइनी बबल्स प्रेजेंट हेयर। सो ये जो है वो रिस्पायर कर रहे हैं या ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको ओवरनाइट छोड़ देते हैं, हम कल जो है आकर इसका रिजल्ट देखते हैं हमारे पास कितना ये स्वेल अप हो चुके हैं। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं हमने इसको जो है वो निकाल लिया है। तो ओवरनाइट वन डे के लिए हमने इसको पूरी रात के लिए भिगोने के लिए रख दिया था, हमने इसका वाटर रिमूव कर दिया है। तो आपको ये नज़र आ रहा है, अब ये इस तरह से जो है वो नज़र आ रहे हैं, थोड़े से जो है वो फूल चुके हैं, स्वेलन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जो है इसको कवर अप कर देंगे, ठीक है, किसी भी कपड़े के अंदर, या जो है वो हम इसको जस्ट मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करेंगे। जब मॉइस्चर प्रोवाइड होगा तो इसके अंदर जिससे जो है वो प्लांट जो है वो अराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हम जो है वो फर्दर प्रोसेस के लिए मूव करते हैं। जी व्यूअर्स, हम क्या करने जा रहे हैं, हमने एक ये रुमाल या एक कपड़ा ले लिया है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे और जो है हम इसको थोड़ा सा बस जो है वो वाटर दे के इसको जो है वो ड्राई होने के लिए रख देंगे, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा वाटर देंगे, ठीक है, और जो है मॉइस्चर, ताकि ये जो है वो नम रहे और इसके अंदर जो है प्लांट जो है वो ग्रो कर जाए। सो हम इसको कवर अप कर देते हैं और इसको जो है हम जैसे ही ये ड्राई होगा हम इसको जो है थोड़ा सा दोबारा से जो है वो वाटर के अंदर फिल कर देंगे। अब इसको जो है मैं भिगो कर जो है वो रख देती हूँ। इसको जो है मैं थोड़ा सा बस मॉइस्चर प्रोवाइड करना है हमने इसको, इसको हम थोड़ा सा निचोड़ लेंगे। इसको हम यहाँ पर जो है वो रख देते हैं, जैसे ही ड्राई होगा तो थोड़ा सा मैं दोबारा इस पर पानी डालकर इसको जो है वो मॉइस्ट कर दूंगी। आफ्टर वन हमने यहाँ पे इसको रख देंगे और आफ्टर 6 to 7 days या 1 week के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो प्लांट अराइज हुआ है या नहीं, ठीक है। सो हम आफ्टर 1 week जो है या हम 5 to 7 days के बाद इसको चेक करेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि 5 days के बाद हमने इसको देखा है, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर जो है वो प्लांट आना ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, कैन सी है, देखिए बेबी प्लांट इसमें से आ चुका है, ठीक है। अभी मज़ीद और हम जितने दिन के लिए इसको रख देंगे तो ये दोबारा जो है वो मज़ीद ग्रो कर जाएगा। आप देख सकते हैं पहले हमने ग्राम सीड लिए थे, उसको हमने वाटर के अंदर डाला था ओवरनाइट सोक करने के लिए। देन सोक करने के बाद इस तरह से कुछ इसके स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था हमें। उसके बाद आफ्टर 4 to 5 days हमने इसे रखा और फिर हमने ऑब्जर्वेशन की कि इसके अंदर जो है वो प्लांट निकल चुका है। अब हम इस ग्राम सीड की स्टडी करेंगे कि ये है क्या, इसका एक्सटर्नल, इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। अब हम इस ग्राम सीड को ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये है क्या, ठीक है, और हम इसकी एग्जामिनेशन करेंगे। अब हम जिसके अंदर हम मैट्रिक क्लास का प्रैक्टिकल एक्टिविटी नंबर 17 जिसके अंदर है एग्जामिनेशन ऑफ ग्राम सीड, ठीक है। ग्राम सीड जो जिसे हम चना कहते हैं उसकी जो है वो हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ग्राम सीड हमारे पास जो है वो डाइकोट सीड के अंदर आता है, ठीक है। डाइकोट सीड यानी कि जो कि हमारे पास जिस स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो हम इसको दो पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं, तो ये डाइकोट सीड
सॉलिड कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली जस्ट लाइक जैसे हमने ये ग्राम शीट ये देखा है, ठीक है, इसी तरह तो ये ग्राम शीट के ऊपर जो है वो एक कवरिंग होती है, ठीक है, लेयर होती है जिसको हम जो है वो रिमूव करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक ये मैंने यहाँ पे रिमूव किया हुआ है, ठीक है। तो इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, ये जो मैंने रिमूव किया है इसको चने पर से, ठीक है, इसका जो ये कवर था, ये कवर उतारा है, तो ये उतारने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये होता है सीट का कोट, ठीक है, ये कहलाता है सीट कोट। अच्छा, इसके अलावा आपको ये सीट कोट हो गया, ये स्ट्रक्चर जो है उसका जो आउटर इसकी कवरिंग होगी वो सीट कोट हो गया। देन यहाँ पर जो होल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम हाइलम कहते हैं। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ये दिस वन, ठीक है, तो ये कहलाता है हाइलम। अच्छा, देन जब हम इसको क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, तो हम इसके अंदर देखेंगे एक स्मॉल ओपनिंग जो कि जो है कहलाती है माइक्रोपाइल, ठीक है। अब हम थोड़ा और मज़ीद डीपली देख लेते हैं इसको। हमने सीट कोट देखा, ठीक है, ये सीट कोट है। अब इसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो है वो इसकी टू लेयर जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो हम एक जो होती है आउटर लेयर जिसको आप टेस्ट्रा कहते हैं, ठीक है, और एक होती है इनर लेयर जिसको आप क्या कहते हैं, टैगमेन, ठीक है। तो जो टेस्ट्रा होती है ये आपकी आउटर कवरिंग है, ठीक है। आप इसको जस्ट लाइक किस तरह से होगी और जो है वो टफ होगी, ठीक है। देन उसके बाद हम टैगमेन की बात करें तो टैगमेन जो है वो आउटर लेयर जो टेस्ट्रा है वो जो है वो इसकी लेदरी होगी, ठीक है, लेदर लाइक और थिक होगी थोड़ी, और जो है वो थोड़ी टफ होगी, ठीक है, लाइक दिस। और जो टैगमेन है ये इसका थिन जो है वो डेलिकेट होता है, वो नाजुक होता है, हल्का होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट लाइक होगा और जो है वो पेपरी होता है, ठीक है, दिस वन। सो ये इसकी दो कवरिंग्स हो गई, ठीक है, सीट की कोटिंग हो गई, टेस्ट्रा और टैगमेन। अच्छा, इसके अलावा अब जो हमारे पास जो चना होता है, ठीक है, ग्रैम होता है, इसको जब हम इस तरह से इसको खोलते हैं, ठीक है, तो ये इसका जो है वो कहलाता है कॉटिलेडन, ठीक है, ये इसका जो है वो कॉटिलेडन कहलाता है। अब ये भी एक है और ये भी अलग है, इसको दो हमने पार्ट में अलग अलग कर लिया, ठीक है। ये इसकी जो कोटिंग उतरी है, ये इसके जो है वो, ये दो पार्ट में हो गया, दैट्स व्हाई ये कहलाते हैं कॉटिलेडन। अब ये दो पार्ट में, तो ये हो जाएगा डाइकॉटिलेडन। अच्छा, अब जो डाइकोटिलेडन, बेसिकली जो फूड जो होता है वो इस कॉटिलेडन के अंदर यानी इसी के अंदर जो है वो रिजर्व होता है, ठीक है, फूड स्टोर करता है ये। अच्छा, ये जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, सो ये जो है वो इसके कॉटिलेडन के अंदर जो है वो फूड स्टोर होगा। अच्छा, अब इसके अलावा ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको हम रहा था, ठीक है, मज़ीद ये निकलेगा, अभी हमने ये जस्ट 4 to 5 days का रिजल्ट है हमारे पास। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर हमने इसको ओपन करके दिखाया है, दो जो है वो हमारे पास कॉटिलेडन है, ठीक है, जिसमें फूड स्टोर होगा। अच्छा, देन इसके अलावा एंडोस्पर्म में भी फूड स्टोर होता है, लेकिन इसके जो है वो एम्ब्रियो के अंदर पूरा ये रिजर्व कर लेता है फूड को, तो फूड स्टोर जो है इसके कॉटिलेडन के अंदर होता है। अच्छा, ये पार्ट आपको जो यहाँ पर नज़र आ रही है इसकी, ये ओपनिंग, ठीक है, ऊपर वाली जो बेबी प्लांट निकल रहा है, ये जहाँ से अराइज हो रहा है ये कहलाएगा इसका प्ल्यूम्यूल, ठीक है, इसको हम कहते हैं ये फ्यूचर शूट है। नेक्स्ट जब ये फर्दर जर्मिनेट होने के बाद आगे बढ़ेगा, ठीक है, ग्रो करेगा, तो ये इसकी फ्यूचर शूट कहलाएगी, इससे शूट बनेगी। और ये जो रेडिकल है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो इसका, ये है रेडिकल, इससे इसकी जो है वो रूट्स डेवलप होंगी, ठीक है, तो इसको हम फ्यूचर रूट कह रहे हैं रेडिकल को, और प्ल्यूम्यूल को हम फ्यूचर शूट कह रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये स्ट्रक्चर देखे माइक्रोपाइल है, हाइलम है, ठीक है, इसके अंदर खोलेंगे कॉटिलेडन है, सीट कोटिंग है आउटर, और इनर जो है वो इसकी टेस्ट और टैगमेन है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इसमें से अगर रूट्स शूट्स निकल रही हैं, ठीक है, तो रेडिकल और प्ल्यूम्यूल है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द ग्राम सीट इज स्ट्रक्चर एंड इज एग्जामिनेशन। थैंक यू।